फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम थ्रेड्स क्या है, इंस्टाग्राम थ्रेड्स को आप कैसे यूज कर सकते हो, थ्रेड्स पे आप अकाउंट कैसे बना सकते हो और इसके फायदे क्या है। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, हाल ही में इंस्टाग्राम ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंस्टाग्राम थ्रेड्स और इसको इंस्टाग्राम में इनबिल्ट कर दिया है। इसको आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करना वो भी आप कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाली हूँ, कैसे आप इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आप प्ले स्टोर से कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में। यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर वाले थ्री डॉट में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के नीचे थ्रेड्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जिनके मोबाइल में ये पहली बार इंस्टॉल हो रहा है उनको अब थ्रेड्स के बगल में एक न्यू का ऑप्शन भी दिखाई देगा, क्योंकि मैंने ये पहले भी इंस्टॉल कर रखा था लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे ये डीएक्टिवेट करना पड़ा, तो इसीलिए मेरे थ्रेड्स के बगल में कोई भी आइकॉन नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप थ्रेड्स में क्लिक कर लीजिए, उसके बाद आपको गेट थ्रेड्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर इंस्टॉल नाउ में क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इस तरह नीचे आप देख सकते हो इंस्टॉल हो रहा है। तो अभी आपको मैं दिखा देती हूँ कैसे आप प्ले स्टोर में जाके भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने प्ले स्टोर में। यहाँ पे आपको सर्च करना है थ्रेड्स और इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा इंस्टॉल हो चुका है तो यहाँ पे ओपन वाला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, नहीं तो आपका इंस्टॉल वाला ऑप्शन यहाँ पे शो करता। इस नाम से आपको और भी बहुत सारे फेक ऐप भी मिल सकते हैं। ओरिजिनल ऐप को पहचानने के लिए आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का एक नाम शो करेगा नीचे, आप देख सकते हो, इसी से आपको पता चलेगा कि ये ओरिजिनल ऐप है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसका मतलब ये होता है कि आप चाहो तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ ही इसको लॉगिन कर सकते हो, मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट में ही इसको लॉगिन कर सकते हो या फिर आप स्विच अकाउंट में क्लिक करके एक नया इंस्टाग्राम आईडी बना सकते हो। तो मुझे यहाँ पे अपने अकाउंट में लॉगिन करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम थ्रेड्स एक्चुअली में है ट्विटर का कंपटीटर। जैसे ट्विटर में आप ट्वीट करते हो वैसे ही आप इंस्टाग्राम में थ्रेड्स करोगे, सिर्फ यहाँ पर नाम अलग है। जैसे ट्विटर अकाउंट में आप कुछ पोस्ट करने को उसको ट्वीट कहते हो वैसे इंस्टाग्राम थ्रेड्स अकाउंट में इसको थ्रेड्स कहते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। फ्रेंड्स, अभी नीचे का ये वाला ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना नाम तो नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये नाम चेंज करने के लिए आपको इंस्टाग्राम में जाके वहाँ से आपका नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल नाम चेंज नहीं कर सकते। और बायो में आप चाहो तो यहाँ पर कुछ भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, जो कि मैंने इंस्टाग्राम में ऐड कर रखा था वही मेरा यहाँ पर शो कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो और यहाँ पे लिंक लगा सकते हो अपने यूट्यूब चैनल का या फिर कोई भी चैनल हो जो आप चलाते हो, जो वो चैनल का लिंक आप यहाँ पे लगा सकते हो। और यहाँ पे प्रोफाइल को अगर आपको प्राइवेट करना है तो ये वाला ऑप्शन में आप क्लिक करके प्रोफाइल को प्राइवेट भी कर सकते हो। अभी मैं यहाँ से बैक चली जाती हूँ। बैक जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे शेयर प्रोफाइल, आप अपना प्रोफाइल चाहो तो यहाँ पर शेयर कर सकते हो फेसबुक में या फिर व्हाट्सअप में या फिर किसी और साइट में, तो या फिर मैं ये कैंसिल कर देती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे थ्रेड्स कैसे करना है। नीचे का जो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आप पोस्ट करना चाहो वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। आप चाहो तो कोई भी फाइल इसमें अटैच भी कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, गैलरी से कोई भी फाइल आप अपने हिसाब से यहाँ पर अटैच कर सकते हो। और यहाँ पर पोस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद ये पोस्ट हो जाएगा। तो मैं अभी बैक ऑप्शन में आ जाती हूँ और यहाँ पे फ्रेंड्स ऊपर का जो दो डॉट दिख रहा है उसमें आपको क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद फॉलो एंड इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद फॉलो अकाउंट्स फ्रॉम इंस्टाग्राम में अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं अपने इंस्टाग्राम में, आप चाहो तो सिंगल सिंगल उनको क्लिक करके भी फॉलो कर सकते हो या फिर यहाँ पे फॉलो ऑल करके आप सबको एक बार में ही इन्वाइट कर सकते हो। यहाँ पर आपको फिर डन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से भी बैक आ जाती हूँ और यहाँ पे फ्रेंड्स इनवाइट फ्रेंड्स बाय व्हाट्सअप, ये तो आपको पता ही होगा। व्हाट्सअप से अगर आप इनवाइट करना चाहो तो इसमें आप क्लिक कर दीजिए, ऐसे इसमें आपका व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा। उसमें आप जिसको भी लिंक भेजना चाहो तो आप इसमें क्लिक करोगे तो आप भेज सकते हो। यहाँ पे मैं बैक आ जाती हूँ। इन्वाइट फ्रेंड्स बाई SMS, ये भी आपको पता ही होगा, SMS के जरिए भी आप लोगों को इन्वाइट कर सकते हो, मेल के ज़रिए भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं बैक आ जाती हूँ।
और अकाउंट को अगर आप डिलीट करना है तो ये वाला ऑप्शन भी मैं आपको बता देती हूँ। अकाउंट सेक्शन में जाके यहाँ पे डीएक्टिवेट प्रोफाइल का जो ऑप्शन आ रहा है इसमें क्लिक करने से आपका थ्रेड्स अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो अभी मैं बैक आ जाती हूँ। फ्रेंड्स, ये थी थ्रेड्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।